की एक शहरा है, जौनपुर में एक फैमिली है, फैमिली इन जौनपुर। उनके वालिद का नाम है आबिद अंसारी और आबिद अंसारी की चार बेटियां, एक का नाम है नेहा, हमारे यहाँ पे भी एक नेहा जी है, तो आबिद का नाम है नेहा, वेरी गुड फ्रेंड्स। एक का नाम है आतिफा, अदर गुड फ्रेंड्स। एक का नाम है बुशरा, अनदर गुड फ्रेंड्स। और एक वो अभी दुनिया में नहीं रही, उनका नाम है तंजीमा, एंजो क्या के बात है। अगर आप नेहा जी को फॉलो करें, नेहा श्वेंस फिरोज नाम है उनका, अगर आप उनको फॉलो करें तो देयर इज अ स्टोरी। ये चार बहनें थी, चार बहनें थी, उसमें से चारों के जन्म, चारों के जन्म से उम्दा शायर, उम्दा शायर। सो आई फॉलो देम अलॉट। सो ये जो पहला जो पीस है, इट इज बेस्ड ऑन दिस फोर लाइंस रिटन बाय बुशरा फिरोज फ्रॉम जौनपुर, शहर अदब से 30 किलोमीटर, शहर अदब यानी लखनऊ, लखनऊ से 30 किलोमीटर। सो शी राइट्स और अर्ज है, नफरत के बाद भरोसा होता भी है क्या, नफरत के बाद भरोसा होता भी है क्या, चाहे जितने कर दो एहसान, झूठ सच होता भी है क्या। राइट, गुड। ये बात अलग है, ये बात अलग है कि हम माफ करते हो, बात अलग है कि हम माफ कर दे उन्हें, वरना हमसे हम मिलना सबका नसीब होगा। सो ये उनके चार लाइंस है, तो उससे इंस्पायर होके देयर इज दिस गजल का उन्वान है कि वो हरदम हसीन है, वो हरदम हसीन है। तो अर्ज है, न करती इजहार न वो हमारा यकीन, करती इजहार न वो हमारा यकीन करती है, बस अपने एक हिजर के, अपने एक हिजर से शाम हमारे गमगीन करती है, बस अपने एक हिजर से शाम हमारी गमगीन करती है। हमारे इश्क को देती है उनवान कोई एहसान, हमारे इश्क को देती है उनवान कोई एहसान का, ये नफरत भी बाखुदा हमसे बेहतरीन। एक ऐसा आलम है, एक ऐसा आलम है खुदा कि हमें ताज्जुब है कहीं, तो बदरंग मिजाज में भी हमें हसीन लगती है। यूं तो हम शौक रखते हैं लफ्ज़ ज़हानत, यूं तो हम शौक रखते हैं लफ्ज़ ज़हानत का, पर जब करे वो बात बेमंदा, लॉजिकल रैशनल। यूं तो हम शौक रखते लफ्ज़ ज़हानत का, पर जब करे वो बात बेमंदा तब भी ज़हीन लगती है। हमारा झूठ, हमारा झूठ कहीं है आटे में नमक के बराबर, बोलते ना कि झूठ इतना बहुत कम बोलते हैं, तो हमारा झूठ है कहीं आटे में नमक के बराबर। और वो जब करती फरेब भी हमें दिल नशीन करती है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हर हर्फ में कहीं हमारा दिखता उनका निशान, हर हर्फ में कहीं हमारा दिखता उनका निशान है, कि शायद दबे, कि शायद दबे लावे कल्ब में, लावा यानी बोलते हैं कल्ब यानी दिल, कि शायद दबे लावे कल्ब में थे वो आतिश निशान, आतिश निशान है वोल्केनो, लावा यानी दबा हुआ उसका निशान, तो कि शायद दबे लावे कल्ब में थे वो आतिश निशान लगती है। न देखा हमें इस कदर किसी और महजबी को, न देखा हमने इस कदर किसी और महजबी को, कि ऐसी कोई दूसरी नहीं, क्या तंग कितना ये कहकशा है, कि ऐसी कोई दूसरी नहीं, क्या तंग कितना कहकशा है। फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है हमारी सोच को जब मौजूद हो कहीं वो करीब, फर्क पड़ता है हमारी सोच को जब मौजूद हो कहीं वो करीब, स्याही तब बनती हमारी हमनवा और कलाम बनता सुबह। ये लास्ट लाइन है, इस चार दिन के जिस्त, इस चार दिन के जिस्त में कुछ पल ही तो मिले हैं साथ में,
चार दिन के जस्त में कुछ पल ही तो मिले हैं साथ उनके, मालूम है सलसला को यहाँ हर शख्स, तो बस यहाँ। शुक्रिया।